घुमाओ एक मिनट थोड़ा पट्टा उठा वो तो थोड़ा सरवाना आराम से हाँ रेंज में इसको फोल्ड मारिएगा फोल्ड कर दीजिए जितना हो सके उतना कर दीजिए हाँ बस ठीक हो गया अभी वो सेट सेट करिए अभी वो सेट अब आप उस साइड लगा देंगे ठीक करवट कर दिए नरेश कोनू ये बीच में सर का फ्रिज भी हाँ सब को एक मिनट हाँ खड़ी पैर के पास Thank you.
कल की शाम को इस मौके पर सर आप यहाँ पर प्रेजेंट सर भी हैं, कुछ कहेंगे? देखिए, भवानी शंकर जी बहुत ही दिग्गज कलाकार थे और पखावज में उनका कोई जोड़ नहीं था। तबला भी बहुत अच्छा बजाते थे और ढोलक वगैरह सारे जो रिदम के इंस्ट्रूमेंट थे, बहुत ज्ञानी खानदान से थे और हमारे साथ तो बहुत पुराना उनका नाता रहा है बरसों का। हमारे जितने गाने हैं उसमें ऐसा कोई गाना नहीं होता था जिसमें भवानी शंकर नहीं होता था। और बड़े भाई साहब के साथ भी उन्होंने बहुत काम किया और बहुत पुराना एसोसिएशन रहा है। और हमारे चाचा जी पंडित जसराज जी के साथ हमेशा संगत किया करते थे और बहुत ही उच्च कोटि के कलाकार थे। और अब वो अचानक ही नहीं है और बहुत ही दुख की बात है कि भवानी शंकर जी जैसा कलाकार हमने खो दिया है। आपने तो सर उनके साथ में काम भी किया है जी, बहुत ही नेक दिल इंसान थे। ऐसे मौके पर कुछ ऐसी मेमोरी साझा हो जाती है सर आपको, जब आप यहाँ पर आए ऊपर आपने उनके पार्थिव शरीर को देखा? देखिए, कल से बड़ा शॉकिंग न्यूज़ थी ये कि भवानी जी चले गए। मुझे तो खैर बहुत बच्चा देखा है उन्होंने और सुलक्षणा जी के साथ बहुत टूर हुए थे हमारे अमेरिका कनाडा में, उसमें मैं नया नया शुरू एज ए म्यूजिशियन था और भवानी जी भी साथ गए थे, बड़े भाई साहब के साथ भी थे। तो बहुत ही प्यारे इंसान थे और बहुत दिल में बहुत प्यार था उनके। और हमारे तो बहुत ही जो भवानी जी के फादर हैं वो उनसे हमारी सिस्टर्स ने डांस सीखा हुआ है, तो मुझे तो बहुत ही छोटा देखा हुआ है उन्होंने, इसलिए बहुत ज़्यादा दुख होता है। एक बड़े भाई की तरह थे हमारे साथ और हमेशा ही उनका सहयोग रहा है हमारे गानों में। जितनी भी पिक्चरें किए, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगी, कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, पहला नशा में भी इन्होंने बजाया है। तो ये वो कलाकार थे जो हर गाने में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन उनका हम लोग ले सकते थे और एक फैमिली मेम्बर की तरह हमारे साथ हमेशा रहे हैं वो। बड़ा दुख है उनके जाने का। ये बहुत बड़ा लॉस है भवानी जी का, अचानक इस तरह दुनिया छोड़ के गुजर जाना। मैं उनके लिए इतना ही कहूँगा कि वो मेरे तो खैर हमारे फैमिली थी हमारी भवानी जी। वो बहुत दिग्गज कलाकार थे और हर इंस्ट्रूमेंट में उनका कोई जोड़ ही नहीं था, चाहे उनके हाथ में पखावज आ जाए, तबला आ जाए, तो वो बेजोड़ कलाकार थे और हमेशा याद किए जाएंगे। और हमारी पूरे परिवार की तरफ से श्रद्धांजलि है कि उनको पखावज उनका इंस्ट्रूमेंट था। एक मैं इंसिडेंट ज़रूर बोलना चाहूँगा, हम लोग कुछ कुछ होता है क्या म्यूज़िक कर रहे थे और भवानी का पूरा बजाना हो गया था और मैंने भवानी जी को बोला था आप ज़रा रुक जाइए, आप जाइएगा मत, और करीब 1:30 बज गए और बड़ा परेशान हो रहे थे कि मुझे क्यों रोक लिया, मुझे जान दे। मैं बोला नहीं नहीं, जो मुझे करवाना है वो तुम ही कर सकते हो और तुमको रुकना पड़ेगा। तो गाना मैं कर रहा था लड़की बड़ी अनजानी है, तो उसका एक रोल का पिकअप था भवानी जी डफ, मैंने कभी नहीं देखा बजाते हुए। अगर मैं जानता था अगर जो मुझे चाहिए वो यही बजा सकते हैं, तो उनको रोक लिया मैंने और फिर उन्होंने जो डफ का एक पिकअप था रोल बजाया, तो वो बजाया उन्होंने बहुत अच्छा। तो उन्होंने बोला यार इतने से काम के लिए मुझे रोक लिया यहाँ पर, ऐसा क्यों किया? उन्होंने बोला मुझे ये इसमें जो शार्पनेस चाहिए वो सिर्फ तू ही बजा सकता है। हमारा बड़ा प्यार था तो हम तू तू मैं करके बात करते थे, बड़े भाई थे वैसे तो मेरे। और फिर आप यकीन मानिए कई साल बाद मुझे उनका नाम क्या है ड्रमर, साउथ इंडियन ड्रमर, क्या नाम है उनका, शिवामणि ने मेरे से एक बार पूछा सर वो रोल किसने बजाया आपके गाने में लड़की बड़ी अनजानी है, तो मैंने बोला भवानी शंकर ने बजाया था, उसने ऐसा कान पकड़ा ऐसा क्या। तो ये वो लेवल के प्लेयर थे सर। भवानी शंकर जी अब हमारे बीच में नहीं रहे, आप यहाँ पर प्रेजेंट हैं, शाम के अंतिम के मौके पर ये दुखद खबर आई है, कुछ कहना चाहेंगे आप? मुझे लगता है भवानी जैसा कलाकार सदियों में एक बार होता है। उन्होंने पखावज को जो फिल्म इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस किया, शायद ही कोई कलाकार उसे उतनी ऊंचाई पर ले जा सकता था। उनके पास
वेदों की, पुराणों की ऐसी जानकारी थी जैसे कि एक कलाकार के पास इतना होना शायद ही किसी के पास हो। और हमारा काफ़ी घराना रहा है, मेरी शादी में भी वो आए थे, दो दिन रहे मेरे साथ, वक्त बिताया, और हर दफ़ा फ़ोन करेंगे, हर मतलब आप पूछेंगे कि अभी क्या चल रहा है। मेरी दो किताबों में भी उन्होंने मेरी काफ़ी मदद की थी। और आज बहुत बहुत बुरा लगा कि इतने जल्दी ऐसा कलाकार चले गए और फिर ऐसा कलाकार जल्दी देखने को नहीं मिलेगा। मैडम, मैं सिर्फ उनको दो बार मिली हूँ, पर उन्होंने बेटी जैसा रखा था मुझे, जो आप हमेशा संभाल कर रखना चाहेंगे। मैंने एक मर्तबा, वो जब पुणे में थे किसी प्रोग्राम से, उन्हें पता चला कि मैं खाना अच्छा बनाता हूँ, तो मुझे बुलाया और बोले कि मेरे लिए फ़िश बना कर लेके आना। तो मैंने, तब उम्र भी छोटी थी, फ़िश बनाया, पता नहीं कैसे हुए, उन्हें वो पसंद तो बहुत आया, और फिर मुझे फ़ोन करके उन्होंने बम्बई बुलाया और बोले अभी मेरे घर की दावत है। उन्होंने स्पेशली आंटी के साथ पकाया और हमें खाना खिलाया था। काफ़ी साल हो गए उसको, बट हमेशा हंसाते थे, हमेशा सबके बीच रहे, और इतने बड़े कलाकारों के, विश्वविख्यात होके भी वो इतनी नम्रता से सबको देखते थे, और उन्होंने सबके साथ काम किया, चाहे वो दीदी हो, आशा जी हो, पंडित जसराज, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, शिव जी के साथ उनका काफ़ी अच्छा था। बट कभी उनके नेचर में ये दिखाने कि वो इतने बड़े खुद को महसूस करते थे, ऐसे कभी उन्होंने दिखाया नहीं कि वो कितने बड़े थे। और जैसे मैंने कहा कि ऐसा कलाकार फिर नहीं होना, बस थैंक यू। बहुत बड़ा लॉस है सर। जी 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 बिल्कुल, साल का आखिरी में हमें ये खबर आई, ये बहुत ही जी। भवानी शंकर जी के बारे में मैं क्या कहूँ कि मैं जब करीब 17-18 साल का था तब से इनका साथ मेरे साथ रहा है, और हम लोग ने पूरी दुनिया में ट्रैवल किया है, प्रोग्राम बजाए हैं सब जगह, और इनके जो इनका स्टाइल था, जो ये बाज था, ऐसा कोई दूसरा पखावज प्लेयर नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि वो जो हाथ है पखावज में, जो इनका जो एक क्रिएटिविटी थी, इनकी एबिलिटी थी, इनकी स्टेज प्रेजेंस थी, और जिस किस्म के ये व्यक्ति थे, बहुत ही हैप्पी गो लकी और खुश मिजाज पर्सन थे, तो बहुत ही लंबा साथ रहा है और इनको हम बहुत मिस करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक म्यूजिशियन नहीं थे, ये इन टोटल थे सब कुछ, अ नाइस पर्सन, एन इंस्पायरिंग पर्सन टू बी विद, एंड अ वेरी पावरफुल परफॉर्मर। और इन्होंने पहले बहुत काम मेरे फादर के साथ उनकी फिल्म्स में भी किया है, जैसे कि सिलसिला, चांदनी, लम्हे, तो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन म्यूज़िक में बहुत है। जो आर्टिस्ट जब चले जाता है उनको याद किया जाता है उनके कॉन्ट्रीब्यूशन से, और मुझे लगता है पंडित भवानी शंकर जी ने इतना दिया है कि लोग वो आनंद लेते रहेंगे, और मेरे हिसाब से इनको बहुत सारे अवार्ड्स और मिलने चाहिए थे। लेकिन डेस्टिनी और मेरे साथ जो लास्ट प्रोग्राम बजाया वो 11 तारीख को था इसी महीने, और हंसते हंसते हम लोग ने वो प्रोग्राम बजाया, बहुत मज़ा आया, पता नहीं था कि ये होने वाला है, लेकिन आई होप एंड प्रे हिज सोल इज़ इन अ नाइस प्लेस आई एम श्योर, एंड ही इज़ इन अ हैप्पीएस्ट स्पॉट, और ओम शांति, एंड आई प्रे फॉर हिज बेस्ट। यस सर, फ्यू वर्ड्स भवानी शंकर जी। नहीं, उनके लिए फ्यू वर्ड्स बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम लोगों का एक तो साथ बहुत बहुत लगाना, मतलब हम लोगों ने 20-25 साल रेगुलर काम किया, मतलब एक समय तो ऐसा था तो महीने में 20-25 दिन हम लोग साथ में ट्रैवल करते थे। अनु शिव कुमार शर्मा जी, पंडित जसराज जी, प्रसाद चौरसिया जी, सबके साथ हम दोनों की जोड़ी बहुत साथ में रही, तो इस वजह से आप समझ सकते हैं कि उनके साथ मेरा जीवन की सौगत बहुत लंबी रही, और प्यार भी बहुत मेरे बड़े भाई थे, मैं भाई जी बोलता था। और पखावज में एक ही आदमी ऐसा था कि जिन्होंने पखावज को फ्रंट कर लिया, और जब कल मालूम पड़ा तो विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि मेरी अभी बातचीत भी हुई थी, सब अच्छे लग रहे थे, आवाज़ भी एकदम स्ट्रांग आदमी हमेशा, लेकिन क्या करें, भगवान की ये जो इच्छा होती है, ये जो समय लिखा है उनका और तारीख भी लिखी हुई है, उसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। बहुत मन से प्रार्थना है कि सबके लिए प्रार्थना